आज काफ़ी ज़्यादा तड़के वाली धूप निकली हुई है और एक सैड न्यूज़ कि हमारा शेरू जो है वो आज थोड़ा सा बीमार हो गया बेचारा। सुबह से कुछ खा पी नहीं रहा, आज दूध पिलाया इसने वो भी नहीं पिया और चारा भी इसके सामने वैसे का वैसे पड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमेर ज़ादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक आसान सी रेसिपी है, मैंने कहा बना के खाते हैं, मज़ा आ गया। मीठे के बाद स्पाइसी। और दिन के 2 बज गए हैं और हमें लगी है भूख बहुत ज़्यादा। हम आज भी अपने नए घर आए हुए हैं और सुबह से काम कर रहे हैं। अभी 1 बज गया है और अब हमें लगी है भूख, और कल भी हम सारे दिन भूखे रहे हैं, लेकिन आज अपनी भूख का इलाज हम खुद ही करेंगे। तो अभी जो है हम कुछ सोचा है कि मीठा खाने को दिल कर रहा था तो हम मीठा बनाने वाले हैं, लेकिन मीठा के साथ साथ जो है वो हमने एक चटपटा भी कुछ बनाना है। तो पहले मीठा और उसके बाद फिर कुछ चटपटा। तो चलते हैं, पहले मीठा स्टार्ट करते हैं। हमें जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो हम यहाँ पर ला रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा साया और सुकून है, वहाँ पे धूप में गर्मी लगने लगी क्योंकि हमने अभी अभी काम किया काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए। तो हमने जो है वो गरी और किशमिश ले रही है, इसको भिगो के हमने रख दिया थोड़ी देर के लिए ताकि इसको साफ़ करना है। चीनी है हमारे पास, देगची में हमने थोड़ा सा घी ले लिया है और 1-2 इलायचियाँ इसमें मैंने फेंक दी हैं पहले ही। ये बिल्कुल लंबी होती हैं सेवइयाँ, लेकिन अब हम इसको तोड़ लेंगे। तोड़ लिया, छोटा कर लिया। ओए, हम 2 बंदे हैं और इतनी ज़्यादा सेवइयाँ कौन खाएगा। कुछ इसमें रख लेते हैं, ज़्यादा हो गई, ज़्यादा मीठा हम ऐसे खाते नहीं इतना ज़्यादा। चूल्हा हमारा ऑन हो चुका है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देगची हमने ऊपर रख दी है। देगची में हमने घी डाली है और 2 इलायची मैंने फेंकी हैं इसमें, और घी को जो है वो गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो घी हमारा गर्म हो चुका है और अभी हम जो है इसमें सेवइयाँ फेंक रहे हैं। सेवइयाँ फेंक कर हम घी में अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हिला हिला कर। 6 मिनट इसकी भुनाई की है और ये अच्छे से इनकी भुनाई हो गई है, और अब इसमें हम पानी डाल लेंगे। चीनी डाल रही हैं और चीनी डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। गिरी और किशमिश है हमारे पास, और ये अब हम डालेंगे इसमें चीनी डालने के बाद। आँच इसकी थोड़ी सी तेज़ कर दी हमने, पहले आहिस्ता कर दी थी क्योंकि एमरजेंसी नाफज हो गई थी, वो इसलिए कि ये ज़्यादा जलने लगी थी, मैंने इस चूल्हे को बंद कर दिया। तो सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह, मीठी मीठी खुशबू आ रही है। अभी हम इसको दम लगा कर रख देंगे। एक दस्तरखान लिया है हमने, लपेट के दस्तरखान में चूल्हा बंद करके, और ये आ गई इसको दम। अभी हम देखते हैं कि हमारा कैसे बना है ये सेवइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका दम उतारते हैं। बेचारा दम ले रही थी। ए माशाल्लाह, अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो मीठी मज़ेदार बनी। मीठा हमने खा लिया है और अब जो है वो स्पाइसी खाने को दिल कर रहे हैं, तो नूडल्स मंगवाए हैं हमने। अभी जो है हम नूडल्स बना रहे हैं। इसके लिए जो है हमारे पास 4 पैकेट्स जो हैं वो नूडल्स के हैं, और एक बर्तन ले लिया हमने 7 कप इसको पानी मेजर करने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये 1 पैकेट बनाने के लिए 1 कप पानी जो है वो काफ़ी होता है। तो इसके लिए हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें हमने बनाने हैं नूडल्स, और 3 कप हम ले रहे हैं पानी के। 1 कप 2 3 कप पानी हमने ले लिया है इसमें, और अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ। हमने एक छोटा सा बर्तन ले लिया है और 3 पैकेट नूडल्स के ले लिए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने चूल्हे की तरफ जहाँ पर हमने अभी सेवइयाँ बनाई हैं। सेवइयाँ हमने खा ली हैं और अब बारी है हमारे नूडल्स की। सेवइयाँ खाने के बाद हमारा कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा था, इसलिए हमने जो है वो नूडल्स मंगवाए हैं और अब हम नूडल्स बना रहे हैं। और इसके लिए हमने एक छोटा सा बर्तन लिया है जिसमें हमने 3 कप पानी ले लिया है और इसको चढ़ा दिया चूल्हे। इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे, बॉयल थोड़ा सा होने देंगे। हम नूडल्स को जो है वो चॉपर से अलग कर लेते हैं इनको। और इसका मसाला जो है वो इसके अंदर होता है।
इनको जो है वो तोड़ लेते हैं। तो पानी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है और अभी हम ये नूडल जो है वो इसमें डाल देंगे पानी में। अभी इसको थोड़ा सा डिप कर लें और हिला लें अच्छे से। इनकी खुशबू तो दूसरी सेवइयों वाली ही है, लेकिन ये मसाला जो जब हम डालेंगे तब ये चेंज हो जाएगा। अभी जो है वो इसमें मसाला भी डाल देते हैं इनका। जब बंदा स्पाइसी खा लेता है तो मीठा खाने को दिल करता है, और जब मीठा बंदा खा लेता है तो स्पाइसी खाने को दिल करता है। तो ये मसाला हमने इसमें डाल दिया है, अभी इसको अच्छे से हिला लेते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए सारा उसमें। तो इसको हम थोड़ी सी देर के लिए ढाँप के रख देते हैं ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो 5 मिनट में हमारा जो है वो स्पाइसी खाना भी तैयार हो चुका है। माशाल्लाह इनकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। अभी जो है हमारी नूडल्स तैयार हो चुकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पता नहीं ऐसे ही बनता है या कि इसको खुश्क भी करना होता है, मुझे नहीं पता। क्या खुशबू आ रही है, आप बताइएगा वैसे कैसी बनी है, हमें तो बस खाना है। बिस्मिल्लाह, दिखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। हमारा पानी भी थोड़ा सा आना चाहिए, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला। इसको करते हैं बंद क्योंकि मेरे साथ और भी है एक बंदा। बिस्मिल्लाह करते हैं, खा कर चेक करते हैं कैसी बनी है। मुंह में पानी आ रहा है और लग रही है गर्म भी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर भी बिस्मिल्लाह। मुंह जल गया मेरा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है, अच्छी है अच्छी है। मुझे कुकिंग आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता हर काम बंदे को आ जाता है। और नूडल्स भी अच्छी बना ली मैंने सेवइयों की तरह, बहुत ज़बरदस्त जायका है। और ये रहे हमारे नूडल्स, इसमें सब्जियां वगैरह भी डालते हैं सुना है मैंने, लेकिन वो जो है वो टाइम ज़्यादा लेता था, इसलिए एक आसान सी रेसिपी है, मैंने कहा बना के खाते हैं। मज़ा आ गया मीठे के बाद स्पाइसी। पहले जो हमने सेवइयां बनाई हैं वो हमारी देसी सेवइयां थी, और ये हैं अंग्रेज़ी सेवइयां। अंग्रेज़ी हैं या चाइनीज़ हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा देसी काम ये बिल्कुल नहीं है। आज हमें नए घर में काम थोड़े थे, लेकिन इसलिए हमने थोड़ा काम किया, खाया ज़्यादा है। पहले हमने सेवइयां खाई हैं, फिर बाद में दिल किया कि स्पाइसी खाया जाए, फिर हमने नूडल्स बनाए, बहुत ही इंजॉय किया है। और अभी जो है हमने वापस घर जाना है, आज थोड़ा सा जल्दी वापस घर जाना है क्योंकि वहाँ भी थोड़े से काम है हमें। और मैंने अपनी जैकेट्स वगैरह पहन लिए क्योंकि मोटरसाइकिल पर बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, और बाइक चलानी है मैंने इसलिए डबल डबल जैकेट्स पहनी है मैंने। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।